जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वो स्टूडेंट जो खासकर SI की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा गुड न्यूज आपके लिए है कि SI की भर्ती और कितनी पोस्ट आपके लिए आने वाली है और क्या गुड न्यूज आपके लिए यहाँ पर होने वाली है। तो फिलहाल दैनिक भास्कर या नई दुनिया की कटिंग है जो मैं वीडियो के अंदर मेंशन करूंगा, जहां पर आपको क्लियर दिखेगा क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ, ये अगर आपको दिख रहा हो शायद मैं आपको पास में, तो 500 पोस्ट का इसके अंदर जिक्र किया गया। प्रदेश में अगस्त से शुरू होगी 500 उप निरीक्षकों की भर्ती। अब इस कटिंग के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, आरक्षकों के बाद पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती जल्द शुरू होगी। इसके लिए मुख्यालय नियम की जो आपकी जो भी चीजें हैं उसकी वो तैयार कर रहे हैं, वहां पर इसी माह के अंत तक कर्मचारी चयन मंडल को भेजा जाएगा। मतलब हो सकता है आपको जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और 500 पदों पर जो भर्ती है उसका विज्ञापन आपको जारी यहां पर होने वाला है। विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले भर्ती प्रक्रिया की जो पूरी तैयारी हो जाएगी और आपकी प्रक्रिया उसकी चालू भी हो जाएगी। और इसके बाद पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि शारीरिक दक्षता के मापदंड पहले की तरह रहेंगे, आपका जो भी पहले फिजिकल होता था, बट इस बार आपके फिजिकल में नंबर होंगे और उसके आधार पर ही आपकी जो है प्रवीण सूची वहां पर बनेगी, जो आपकी मेरिट फिजिकल और रिटर्न के आधार पर आपकी बनने वाली है। हालांकि इसमें आपका जो चेंज होने का था कि रिटर्न का जो है जो 700 नंबर 600 नंबर का चल रहा था उसका कुछ भी नहीं बताया, बाकी फिलहाल अनुमान ये कि आपको चेंज हो सकता है। पुलिस मुख्यालय ने इन पदों पर भर्ती की जाए प्रस्ताव पिछले वर्ष राज्य कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मंडल के पास अन्य परीक्षाओं का दबाव होने के कारण लगभग 8 माह बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद आपके यहाँ पर होने वाली है। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा आचार संहिता लागू होने के पहले कराने की तैयारी, मतलब हो सकता है कि चुनाव की आचार संहिता लागू ना हो उसके पहले आपका रिटर्न और आपका फिजिकल हो। पर कांस्टेबल वाले बच्चे जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक और जानकारी यहां पर है, लेकिन इसके बीच जो आपकी SI की जो प्रोसेस चलेगी उसके बीच यहां पर कांस्टेबल वाले जो बच्चे हैं उनका यहां पर फिजिकल हो जाएगा, मतलब शारीरिक दक्षता यहां पर परीक्षा होगी कांस्टेबल वाले बच्चों की SI की जो भर्ती प्रक्रिया चलेगी उसकी बीच में। तो अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसा इंतजार था कि भर्ती कब आएगी, फिलहाल पोस्ट तो बहुत कम है 500 पोस्ट, क्योंकि 2017 के बाद 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अगर 500 पोस्ट कराती है तो बहुत कम है। फिलहाल फिर भी जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अगर 500 भी है तो आप लोग तैयारी जो कर रहे हैं तो बहुत है आपके लिए। तो आप मान के चलिए अगस्त सितंबर मतलब इन 3-4-5 महीनों में आपकी जो पूरी प्रोसेस वो कंप्लीट होने वाली है, तो आप लोग लगे रहिए, बहुत जल्द जुलाई के अंदर एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और अगस्त से आपकी जो है प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो आपको इंतजार नहीं करना, आपको तैयारी करना और साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी आपको करके चलना है, क्योंकि नंबर आपके फिजिकल और रिटर्न दोनों के आधार पर आपके यहाँ पर मेरिट बनने वाली है। तो आज की न्यूज में इतना ही, मिलते हैं आपसे कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।